रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो, श्री माता महाकाली मंदिर में अपने भक्त गणों की भीड़ लगी हुई है और अपने डाक कावड़ संघ जो कि हरिद्वार से गंगाजल सभी भक्तों के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबके लिए उन्होंने गंगाजल जो कि कांवड़िया जल लेके नहीं आ सकते हैं हरिद्वार से, वो इधर अपने कांवड़ संघ ने अच्छी व्यवस्था अपनी श्री माता महाकाली मंदिर में करी है। मैं सभी भक्तों को इस शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री माता महाकाली मंदिर कमेटी की तरफ से और पुजारी जी की तरफ से और कांवड़ संघ की तरफ से सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। इसी प्रकार से भगवान हमेशा, शिव भगवान सबके ऊपर कृपा बरसाते रहे, भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि सुख शांति का वातावरण आए। बोलो शंकर भगवान की। महादेव की शिवरात्रि आती है, जो भी भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि आती है, चाहे वह सावन की शिवरात्रि हो, चाहे वह फगन महीने की हो, सारे कावड़ी जल लैन भोलेनाथ का अभिषेक करने जल लैन हरिद्वार जाते हैं कावड़ लैन। इन्हों कावड़ियों देख के सारे भगतों के इच्छा पैदा होंगी है भी असी भी कावड़ लेके आईए, पर किसी ना किसी जिंदगी के रुझेवे कारण, उम्र कारण, बुढ़ापे कारण वो नहीं जा सकते। तो महाकावड़ संघ वालों असी इस बार ये उपराला किया है भी जो भगत हरिद्वार कावड़ नहीं लिया सकते हरिद्वार तो उन्होंने असी 501 जल दे गंगा जल दे कलश भर के लिए आए तो खुला होर जल हजारा लीटर जल लेके आए ता जो वो भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकन। लोगों की उत्सुकता देखते हुए हम असी प्रयास करांगे कि हर शिवरात्रि से वध तो वध जल लिया जाए तो सब अभिषेक।